17 अगस्त 1988 4:30 7:30 हरकुलिस त्यारा भावलपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक का वीवीआईपी फौजी त्यारा है, लेकिन तनहा जनरल जियाउल हक इसमें सवार नहीं है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और अमरीकी सफीर ऑनर राफील के अलावा जहाज के अमला समेत 28 दूसरे फौजी अफसर भी इस सफर में उनके हम सफर हैं। त्यारा अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू करता ही है कि इसका रब्ता बावलपुर कंट्रोल टावर से मुनकता हो जाता है। नीचे से देखने वालों को त्यारा फिजा में ऊपर नीचे हचकोले खाता नजर आ रहा है और अब त्यारे का रुख सीधा जमीन की तरफ है। ये बेआबो ग्याह बस्ती लाल कमाल है। त्यारा जमीन से टकराता है, आग के शोले बुलंद होते हैं। बदकिस्मत त्यारा और उसके बदकिस्मत मुसाफिर आने वाहिद में लुकमय अजल बन जाते हैं। ख्वाजा जियाउद्दीन का इंतखाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक के नए मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर अमल में आ चुका है, लेकिन उनको क्या मालूम था कि बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी उन्हें जनरल जियाउल हक को नहीं बल्कि जनरल असलम बेग को रिपोर्ट करना है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई कि आपने उनको ज्वाइन करना है एंड ऑफ अगस्त में, और ये इन्फॉर्मेशन देने वाला परवेज मुशर्रफ था जो कि हमारी MS ब्रांच में उस वक्त एज ब्रिगेडियर था। हमारी MS ब्रांच समझ लें कि सिविल की इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न होती, पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह इनके हाथ में होते हैं। तो इसने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम सामान वान बांध लो अपना और तुमने एंड ऑफ अगस्त ज्वाइन करना है जनरल जियाउल हक को। तो उस जब ये इनका हादसा हुआ तो उस दिन मैं फायरिंग करवा रहा था अपने ब्रिगेड की टिला में, इन्फेंट्री ब्रिगेड की, वहाँ के ऊपर मेरे साथ वहाँ उस वक्त एक आर्टिलरी ब्रिगेड भी था, वो भी फायरिंग कर रहा था। उनका नाम जमशेद रियाज, जनरल जमशेद रियाज, बाद में जनरल बने, वो उस वक्त ब्रिगेडियर थे। तो उस दिन दैट फेटफुल डे मैं उनके वो जो मंकर सा होता है उसमें बैठा हुआ था और उससे बातचीत हो रही थी, तो एकदम न्यूज़ आई कि वो क्रैश हो गए। खैर फिर दाएँ बाएँ फ़ोन करते रहे, डिटेल पूछते रहे, वो डिटेल वगैरह तो हमें उस वक्त पता नहीं लग रही थी, पर बहुत अफसोस हुआ कि वो एक नेक और फमसलात का पाबंद आदमी हो इस तरह बेचारे वो हादसा हो गया। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के साहबजादे हुमायूं अख्तर खान जो बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे हैं इत्तफाक से इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं। ये अनदोना खबर उन पर बिजली बनकर गिरती है। मैं और हारून लाहौर में थे तो हम शाम की फ्लाइट से इस्लामाबाद गए पिंडी, हम हमारे वाले पिंडी रहते थे, तो हमें मालूम था वो बहावलपुर गए हुए हैं और हमें कुछ रफ सा आइडिया था कब उन्होंने वापस आना था। तो जब हमने एक देखा, जब एयरपोर्ट पे जहाँ C-130 खड़ा होना था वो नहीं खड़ा था, अभी हमें कुछ इतला नहीं थी। और जब हम घर पहुँचे तो पहले जब मैं अपने वालद वालदैन के बेडरूम में घुसा तो मैंने, मेरी वालदा वो ग्रीन हॉट लाइन पे थी और वो चीख रही थी किसी से, तो पहला फिर हमें मुझे पहला वो इंडिकेशन हुई कि वो पूछ रही थी कि किधर गया जहाज, पहुंचा क्यों नहीं, और उनको लोग कह रहे थे कि खराब हो गया, आहिस्ता आ रहा है, ये हो गया, उनको पता था कि अब वो गिर गया जहाज। फिर वो TV वगैरह पे आना शुरू हो गया। 17 अगस्त 1988 का ये सानिया मामूली सानिया नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत फौज की आला क्यादत का इस तरह अचानक मौत से हमकिनार हो जाना कई तरह के सवालात को जन्म दे रहा है। 100 सवालों का एक सवाल ये है कि क्या 17 अगस्त का ये सानिया महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? ये 100% साजिश थी, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर दोनों ने मिलकर ये साजिश की थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बेनजीर भुट्टो की साजिश हुई है। क्योंकि ये वही कुवतें थीं जिन्होंने 88 का
जहाज गिराया था, ये वही कुवतें थे जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को मारा। C-130 में हम भी ट्रैवल करते रहे, इनकी तो काफ़ी पुराने हो गए थे, काफ़ी बुरी हालत थी इनकी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये ऐसा जहाज़ है कि जिसके अंदर 4 इंजन होते हैं और वो एक पैकअप भी कर जाए तो दूसरा टेक ओवर करता है, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये कि फिर भी एक मैकेनिकल चीज़ है, उसमें फॉल्ट तो हो सकता है। इसको हतमी तौर पे कहना कि हादसा है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, स्पेक्यूलेशन है और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रटेशन हैं। अच्छा, उसमें ये हादसा नहीं रह जाता,